पड़े रहे। आपको मालूम है कई लोग कहते हैं मुझे पेट में बहुत गैस बनती है, ये गैस उन्हीं को बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता। कोई लोग कहते हैं कि मुझे पेट में जलन होती है, ये जलन उन्हीं को होती है जिनका खाना पचता नहीं। कोई कहते हैं कि मेरे पेट में एकदम गुम हो जाता है, फूल जाता है, ये सब वो लक्षण है जब खाना पचता नहीं। तो खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ेगा तो विष पैदा करेगा और वो विष आपको बीमार करेंगे। इसलिए महर्षि भागवत ने कहा खाना खाते ही पानी मत पियो। समझ में आया? फिर आप बोलोगे कितनी देर तक नहीं पिए? कम से कम एक घंटे तक, एक घंटे बाद पानी पियो। आप बोलोगे जी एक घंटा क्यों? ये जो अग्नि जलने की क्रिया है ये लगभग एक घंटे तक ही चलती है पेट में, उसके बाद अग्नि अपने आप शांत हो जाती है, उसके बाद पानी पी लो। तो खाना अगर 10 बजे खाया तो 11 बजे पानी पियो, 11 बजे खाया तो 12 बजे पियो, 12 बजे खाया तो 1 बजे पियो, 1 घंटे बाद पानी पियो। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि खाना खाने के पहले पी लें क्या? हाँ पी लो, 40 मिनट पहले पेट भर के पानी पी लो। 10 बजे खाना खाना है 9:20 पे खूब पानी पी लो, जितना पी सकते। 11 बजे खाना खाना है 10:20 पे पी लो, खूब पानी पी लो 40 मिनट पहले। आप और एक सवाल पूछ सकते हो कि अच्छा ठीक है खाने के बाद पानी तो नहीं पिएंगे, कुछ और पी सकते हैं क्या पानी को छोड़कर? तो उसके लिए भागवत जी कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद अगर पीना है तो दही की लस्सी पियो, मट्ठा। खाने के बाद अगर तुरंत पीना है तो फलों का रस पियो, गन्ने का रस पी लो, संतरे का रस पी लो, मौसमी का रस पी लो, अनार का रस पी लो। अब आप कहोगे ये सब महंगी महंगी चीजें बता रहे हैं, गन्ने का रस, संतरे का रस, अनार का रस, पैसे तो है नहीं। तो सबसे सस्ता रस है नींबू का ही रस पी लो, शिकंजी बना के पी लो, वो तो सबसे सस्ता है। तो खाना खाने के बाद या तो दही की लस्सी पियो या रस पियो। और एक तीसरी चीज है दूध पी सकते हैं। तो खाने के तुरंत बाद पीना है तो दही की लस्सी या मट्ठा, खाने के तुरंत बाद पीना है तो कोई फल का रस, खाने के तुरंत बाद पीना है तो दूध। पानी एक घंटे बाद पियो। और अगर एक बात ध्यान रखो तो अच्छा है।